देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद सचिव सेवांश की मौत। जनपद पंचायत मझगवा के गोपालपुर पंचायत के सचिव सेवांश द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों और सचिव संघ ने आरोप लगाया है कि 19 फरवरी को कोरोना वैक्सीन का टीका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में लगाया गया था। टीका लगने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें सतना जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका स्वास्थ्य और बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया। वहां से 21 फरवरी की रात में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि टीका लगने के पूर्व सेवांश एकदम स्वस्थ थे, उनकी मौत टीका लगने के कारण से हुई है। सचिव संघ के अध्यक्ष जय सिंह का कहना है कि टीका लगने के पहले सेवांश पूरी तरह स्वस्थ थे, उनकी मौत टीका लगने के कारण हुई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और वैक्सीनेशन पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। सतना से रवि शंकर पाठक की रिपोर्ट। उस दिन हम लोग गए थे मझगवा, शिवांश कुमार द्विवेदी के साथ में गया पर्सनली काम। इन्होंने बताया कि मैं मझगवा जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आप किस जगह पर वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। वैक्सीन लगवाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया। मेरे कुछ जान पहचान के थे, उन्हें भी वैक्सीन लगा। वैक्सीन लगने के पश्चात हमने आधा घंटा बैठने के लिए बोला गया। आधे घंटे हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते हमें बताया कि यहाँ पर लिंक नहीं काम कर रहा, तो आपको उसका जो प्रमाण पत्र मिलता है वो आज नहीं मिल पाएगा। उसके लिए लगभग हमने एक घंटे इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हमें प्रमाण पत्र नहीं मिला, बोला कल आप ले जाइएगा। वहाँ से हम लोग चले आए, वहीं से उनको बुखार स्टार्ट हुआ। बुखार बहुत तेज़ बढ़ता गया। हमने फोर व्हीलर की व्यवस्था करने के पश्चात हम यहाँ आए। यहाँ रात विश्राम करने के बाद सुबह फिर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि तबीयत उनकी कुछ ठीक लग रही थी। पूरा दिन हमने यहीं व्यतीत किया। व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन रात में फिर तबीयत खराब हुई। सुबह 6 बजे हम लोग उन्हीं को लेकर के शिवांश कुमार द्विवेदी जी को सतना के लिए गए। सतना में हमने डॉक्टर सबको दिखाया, उन्हें एडमिट किया, इलाज चल रहा था। इलाज के बाद फिर उन्हें रेफ़र किया गया। वहाँ पर क्या हो रहा था हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने हिसाब से काम कर रहे थे। नीलेश शर्मा नाम। फिर वहाँ टीका लगाया 2:30 बजे के यहाँ। आधे घंटे बाद फिर बोले हैं कि हमारे शरीर में दर्द आ रहा है और बुखार समझ में आ रही है। तब बोले कि चलो दवा करा लेते हैं। फिर वहीं से फिर चले आए घर। फिर यहाँ से फिर लेकर सतना गए। आपका नाम क्या है? मेरा मुकुंद लाल पुजारी। इसको वैक्सीन लगा है। शाम को जब आया है तो इसको फीवर थी और सांस लेने में दिक्कत समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद ये समझ में आया कि इसी 19 को वैक्सीन लगा है। जिनको वैक्सीन लगा था उनको दिक्कत समझ में आ रहा था, जैसे पाथकचार्य जी आर एस मिश्रा को, एक बरमदा थाने में है दिनेश सुलिया जी, उनको भी बता रहे थे उसको लगने के बाद थोड़ी दिक्कत समझ में आ रही है। तो रात भर ये समझ में आ रहा है कि उसके वैक्सीन के कारण है। 20 तारीख को भी यही ऐसे समझ में आया। फिर 20 तारीख को जब रात तक में इसकी तबीयत और थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, रात में इसमें लेके चले गए। 21 तारीख को सतना में एडमिट किया। 21 तारीख को फिर एडमिट करने के बाद लगभग 1 बजे करीब वहाँ से रेफर महात्मा गांधी के लिए रीवा के लिए कर दिए। फिर वहाँ कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में उन्होंने एडमिट किया। 1.5 घंटे लगभग इलाज चला और फिर उस कर दिए। भाई बड़ा छोटा भाई। अच्छा, ठीक है। वैक्सीन के लगने के बाद ही उसको फीवर और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। फिर उनको जब ऑक्सीजन में लगाया गया, ऑक्सीजन उनको आराम मिलता था।
ऑक्सीजन अगर निकाली जाती थी उसको सांप लेने में दिक्कत थी इसको। बिल्कुल वैक्सीन में कमी है, अगर वैक्सीन में कमी नहीं तो उसके पहले उसको जब लगवाने जा रहा है बिल्कुल स्वस्थ जा रहा है, लगवा के जब आ रहा है उसी समय से वो उसको फीवर और सांस लेने में दिक्कत समझ में आ रही है। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूँ कि उसकी सही तरीके से जाँच की जाए, वैक्सीन में क्या कमी है, किस कारण से उसकी जान गई। आप मृतक के कौन हैं? बड़ा भाई। अच्छा, आपका नाम? ध्रुव द्विवेदी। जय सिंह मेरा नाम है, मैं सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष जनपद पंचायत मझगवां का हूँ। पारिवारिक के लोग जैसे बोले कि भी 19 तारीख को इसको टीका लगा, वैक्सीन का टीका लगा, चूँकि प्रशासन की कमी इसलिए हम मान रहे हैं, शंका के दायरे में आ रहे हैं कि चूँकि जब वो यहाँ से स्वस्थ होकर के जाता है और पूरी तरह स्वस्थ था, वैक्सीन का टीका लगने के बाद उसको बेचैनी हुई, बेचैनी होने के बाद सीने में अचानक दर्द उसके उठा, 20 तारीख को भी उसका पूरा रहा आया है, और इसके बाद ये 20 तारीख को रात में लेकर के जब सतना जाते हैं, सतना में एडमिट करते हैं, सतना से लेकर के इनको रीवा हॉस्पिटल में 10:15 बजे के लगभग इनके, मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोगों को कोरोना योद्धा तो मान लिया गया है, लेकिन कोरोना योद्धा के जो हमारे दिवंगत के घर वाले हैं, परिवार वाले, उनकी आर्थिक मदद करें एवं वैक्सीन की उच्च स्तरीय जाँच करवाया जाए, एवं स्वस्थ होने के बावजूद जिनके वैक्सीन लगता है उस वैक्सीन के पहले उस व्यक्ति की पूरी तरह जांच होना चाहिए, और जांच होने के उपरांत ही उस व्यक्ति को टीका लगना चाहिए, लेकिन जांच हुई नहीं है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, जो कि एक हमको शंका के घेरे में आता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उसकी जो भी आर्थिक भरपाई है उसको पूरा करें, एवं हम इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग करते हैं।